कोलवा शहर के एटीएम इन दिनों बदहाली की मार झेल रहे हैं। चुनिंदा एटीएम को छोड़ दे तो लगभग सभी एटीएम में गंदगी का आलम है। वहां न तो सुरक्षा कर्मी तैनात है और न ही कोई सुविधा मौजूद रहती है। गंदगी के बीच लोगों को पैसे निकालने पड़ते हैं। लोग चाहते हैं कि बैंक प्रबंधन एटीएम में सुविधा प्रदान करने को लेकर गंभीरता दिखाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। कोरबा के बैंक प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर किस कदर लापरवाह बने हुए हैं, इसका नजारा आप गंदगी से अटे पड़े इन एटीएम को देखकर आसानी से लगा सकते हैं, जहां पर ना तो सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम है और ना ही साफ सफाई की व्यवस्था। लोगों की गैर मौजूदगी में मवेशी और स्वान यहां की शोभा बढ़ाते हुए नजर आते हैं। कुछ चुनिंदा एटीएम को छोड़ दें तो बाकी सभी एटीएम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। लोगों का कहना है कि एटीएम को व्यवस्थित बनाए रखने को लेकर बैंक प्रबंधन को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और वहां व्यवस्था बनाए रखनी होगी। जिला के जितने भी एटीएम हैं, ना तो वहां कोई सफाई की सुविधा है, ना तो घाट की व्यवस्था है। जितने शहर में एटीएम सभी दयनीय स्थिति में है। कभी कोई भी एटीएम में जाए किसी दरवाजे नहीं पाओगे, लॉक आप दरवाजे खुल रहते हैं। रात को जाओगे एटीएम तो कहीं गाय घुसे रहते हैं, तो कहीं कुत्ता घुसे रहते हैं। ये सब जवाबदारी एटीएम वाले की है, सभी बैंकों की है। किसी भी बैंक की बात करूँ तो किसी बैंक में अगर कुंडी पुंडी नहीं है, कभी दरवाजा खुला रहता है, ओपन रहता है, एसी भी नहीं चलते रहता है। मतलब स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है कोरबा के सभी एटीएम की। दिन में लोगों की चहल पहल होने के कारण एटीएम को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन शाम ढलते ही अव्यवस्था का आलम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। एटीएम के भीतर जहां तहां गंदगी पसरी रहती है, मवेशी गोबर कर देते हैं, जिससे लोगों को पैसे निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह भी है कि यहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता। ऐसे में अगर अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए इमानुएल तांडी के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।